हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मुस्कुराइए क्योंकि आप मेरे चैनल पर हैं, और शुरू करते हैं आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर। टेंटन। तो देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन कार्टून्स के थ्रू कैसे करते हैं। तो आई होप आपको प्रेजेंटेशन कार्टून के थ्रू करनी आई होगी। धीरे धीरे मैं और कार्टून्स बना के आपके लिए, है ना, जश्न बहार में पेश करूंगा। आज मैं आपको अगली प्रेजेंटेशन की टेक्निक बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बाय कोट्स। अगर याद हो तो बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में कई बार जब हम एस्से लिखते थे, ठीक है, है ना, निबंध, बेटा काऊ पर एस्से लिखो, गाय हमारी माता है ना, तो उन एसेज में हम कुछ कोटेशन डालते थे। हिंदी के, मुझे याद है, हिंदी में लिखते थे हम, हिंदी की कहावतें डाल दिया करते थे, ठीक है ना, राइट। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना, है ना, ऐसी बहुत सारी तुमने कुछ कहावतें सुनी होंगी अपने जीवन में, है ना। तो वो कहावतों का यूज़ क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं उसके बीच में कोटेशन टाइप डाल देते हैं, जिससे उसको और बहुत अच्छा लुक मिलता है, ठीक है ना, एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है और सामने वाले को सुनने में और देखने में और समझने में बड़ा मजा आता है कि हाँ, इस बंजर ने साथ में कोटेशन भी डाली, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ बच्चों को घुटनों में बात नहीं पहुँचती, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ, भैया तुम्हारे साथ तो हिसाब है भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है, तो भैंस के आगे बीन बजाए, ठीक है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में अगर हम डालते हैं तो बच्चों को लगता है प्रेजेंटेशन में कोट्स का इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश के पेपर में करना है। अब इंग्लिश का पेपर तो आपने दे दिया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंटेशन में आप कोट्स का इस्तेमाल बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में भी कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में आप, जब मैं आपको ये प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, तो आपको इन कोट्स का इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन जो कोटेशंस होंगी, ठीक है ना, वो कि इंग्लिश नॉर्मल फ्रेजेस, ठीक है, या सेइंग्स नहीं होंगे कि नॉर्मली किसी अंग्रेज ने बोल दिया तो आपने डाल दिया या हिंदी में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना, राइट। यू कैन हेयर टेल द नेम ऑफ अ डेविल एंड डेविल इज हेयर, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं होगी। कोटेशन आपको डालनी है बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड। तो कुछ कोटेशन मैं आपको देता हूँ, है ना, और सबसे बढ़िया बात यह कि मैंने चैप्टर वाइज कोट्स बनाई हैं। आप कुछ कोट्स दुनिया में जो होंगी इकोनॉमिक्स और क्या कहते हैं बिजनेस रिलेटेड डालेंगे, तो वो बहुत अच्छे आपको नंबर 100 में से 100 की तरफ लेके जाएंगे। अपनी कॉपी को सिर्फ यूनिक बनाना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का सिर्फ एक ही टारगेट है, उद्देश्य है कि अपनी कॉपी को दूसरी 100 कॉपियों से, हजारों कॉपियों से यूनिक बनाना है, कि जब एग्जामिनर चेक करे ना तो ये कहे कि भाई इसकी कॉपी चेक करने में मजा आ गया, इसलिए बंदे ने कुछ अलग किया है, राइट। तो समय गवाए बिना चैप्टर नंबर 1 आप जानती हैं कौन सा है, इसकी कार्टून्स मैं आपको कुछ दे चुका हूँ। आप चैप्टर नंबर 1 की प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट की जितनी भी कोटेशंस हैं, ठीक है, वो आप चाहें तो नेट से पढ़कर उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे एक कोटेशन हम डाल सकते हैं, आर्ट साइंस और वाला अगर क्वेश्चन आया तो ये वाली कोटेशन आप जरूर डालें। कोटेशंस हमेशा ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज अबव ऑल, ऑथर का नाम चाहे याद ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, अ प्रैक्टिस वेयर आर्ट साइंस एंड क्राफ्ट। कुछ बच्चों को लग रहा होगा प्रोफेशन आएगा, लेकिन कोर्ट में है क्राफ्ट, क्राफ्ट मीट। तो ये हमारी एक प्रेजेंटेशन होगी चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। ऐसे ढूंढिए, कोशिश कीजिए, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को मिलेगी वो मेरे साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, हाँ, आपको थोड़ा लर्निंग का पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बहुत सारी कोटेशन नहीं दे रहा मैं आपको, कुछ मुद्दे मुद्दे की कोटेशन ही दे रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ताकि थोड़ा लर्निंग का बोझ आपका कम हो, राइट। चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको प्रिंसिपल्स याद हो, तो प्रिंसिपल में जैसे हम पढ़ते थे एस्प्रिट डी कॉर्प पढ़ते थे ना, जहां मिलके काम करना होता है हमें, तो वहां क्या डालेंगे, वहां आपको कोटेशन डालनी है इंडिविजुअल्स से आई, टीम
सेज वी, ये कोटेशन डाल दी राइट. यानी जहां पे मिलके काम करने की बात आए वहां पे डाल सकते हो, ठीक है. जैसे चैप्टर नंबर वन में भी ये यूज सकती है ना. सेम आप कहाँ यूज कर सकते हो, आप सेम बात को चैप्टर नंबर वन में भी यूज कर सकते हो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आ जाए, ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है. तो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी अगर आएगी तो ये वाली कोटेशन आप यहां पे भी यूज कर सकते हो. तो ये जो कोटेशन है ये आप बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हैं. कहीं भी आपको ग्रुप एक्टिविटी मिलके काम करने की बात अगर आती है तो आप ये वाली कोटेशन यूज करेंगे. तो ये चैप्टर नंबर वन में भी आ गई और ये चैप्टर नंबर टू में भी काम आ गई, ठीक है. उसके बाद आता है चैप्टर नंबर थ्री, बिजनेस एनवायरमेंट. याद आ रहा है ना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है राइट. बिजनेस एनवायरमेंट में आप कैसी कोटेशन यूज कर सकते हो. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है एलपीजी का तो वहां पहले कोटेशन आप यही डालें शुरुआत करते, है ना. डेमोक्रेसी है ना, हमारा डेमोक्रेसी वाला देश है. डेमोक्रेसी टू मी इज नथिंग मोर देन एलपीजी. एलपीजी आप जानते हैं ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है. आप चैप्टर नंबर थ्री में ये डाल सकते हैं. अगर क्वेश्चन आता है डी मोनिटाइजेशन से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, आप उनकी कोटेशन डालेंगे. उन्होंने जब शुरुआत की थी 8 नवंबर है ना 2016 को, तुमने क्या बोला, उन्होंने बोला डिमोनिटाइजेशन वुड ब्रिंग आउट द ब्लैक मनी, ठीक है. वुड ब्रिंग आउट द ब्लैक मनी. तो यहां पे आप नाम डाल सकते हैं जिसने ये कोट बोली है ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी है ना राइट. ब्रैकेट में डाल दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि करेंटली तो है ही, तो आप करेंटली एग्जाम में लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. तो तीन चैप्टर की होगी कोटेशंस राइट. अगला आता है चैप्टर नंबर फोर, ठीक है. अब चैप्टर फोर की बात करते हैं. आप ऐसी बहुत सारी कोटेशन से इकट्ठी कर सकते हैं, मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं राइट. तो अगर चैप्टर फोर की अगर बात करें तो चैप्टर फोर में प्लानिंग वाला चैप्टर है. तो पहली कोटेशन आप क्या लिखेंगे जो अपनी बुक में भी एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ठीक है. आप लिखेंगे फेलिंग टू प्लान, और ये मेरी जो बुक है उसके नीचे भी यही कोट दे रखी है, इज प्लानिंग टू फेल. प्लानिंग टू फेल, ठीक है राइट. यानी अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए या आपने प्लान नहीं बनाया, जैसे मैं आपको कहता हूं अपना प्लान बनाओ कि कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, किसी की स्टडी लिख लिख के देखनी है, तो अगर आप ऐसा प्लान नहीं बना रहे तो आप इनडायरेक्टली प्लान बना रहे हैं कि आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है. वो बात समझ में आएगी. चैप्टर नंबर फोर की भी आसान सा था राइट. दूसरी कोटेशन लिख सकते हैं, प्लानिंग मीन्स बोथ टू असेस, मतलब चेक करना, फ्यूचर के बारे में चेक करें, एंड अकाउंटिंग वर्ड है, मेक प्रोविजंस फॉर इट, और आप उसके प्रोविजन भी बना के चलें, ठीक है. आई होप बात समझ में आ गई होगी. फिर आता है चैप्टर नंबर फाइव. बताओ चैप्टर नंबर फाइव कौन सा था, याद आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजिंग में अगर बात करें चैप्टर फाइव में, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन, है ना. अब देखो तो उसके लिए क्या कोटेशन डालेंगे,
इफ यू डेलीगेट If you delegate the task, you create followers. If you delegate authority, you create, comma लगाएंगे. You create leaders. A delegation है ना, आप chapter number 2 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, chapter number 2 में हेनरी फ्योल के principles में भी, right? तो ऐसी बहुत सारी quotes आपको मिल जाएंगी. अगला chapter आता है हमारा chapter number 6. ठीक है जी, right? Chapter number 6 में जाएंगे, staffing का है. तो staffing में अगर आप मेरी बुक के पेज 65 पे जाएंगे तो दो कोटेशन उस पेज 65 के ऊपर सबसे टॉप पे ग्रीन कलर से लिखा है पहला. ठीक है ना, नारायण मूर्ति इंफोसिस के सीईओ की कोटेशन. आर असेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि वो अपनी एम्प्लॉय को ही असेट्स मानते हैं. ईच मॉर्निंग सॉरी ईच इवनिंग, राइट, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग. ठीक है, सीईओ ऑफ इंफोसिस नारायण मूर्ति है ना, वहां दिख जाएगा आपको. दूसरी कोटेशन उसी पेज के नीचे लिखी है, राइट, द राइट पीपल ठीक है ना, द राइट पीपल कैन हेल्प यू. याद आ गया, जिन बच्चों के पास बुक है बिल्कुल याद आ गया होगा. द हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द टॉप. ठीक है ना, और उस अगली बात, द रॉन्ग पीपल The wrong people can break your business. ठीक है, राइट, बात समझ में आई होगी, राइट. तो ये हमारे 6 चैप्टर की कोट्स हो चुकी हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो अगले 6 चैप्टर की कोट्स मैं आपको अगले लेक्चर में देता हूं. तब तक इनको लिखिए. जिन जिन चैप्टर में आपने अपने डेटा बना रखा है, अपने नोट्स बना रखे हैं या मेरी बुक से आपने लिख रखा है, तो मेरी बुक का हमेशा साइड वाला पेज आपको खाली मिलेगा. वहाँ पे जहाँ जहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ वहाँ इसको यूज़ करिए, राइट. जैसे ये यह कहाँ यूज़ सकता है, ये यूज़ होता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए, जब तक मैं आपको अगले लेक्चर में और अगले 6 चैप्टर की कोट्स देता हूँ, तब तक इनको लिखिए, चैप्टर के साथ यूज़ कीजिए, राइट. एग्जाम में जरूर 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 100% इसे लिख के आइए और तब तक इसको याद कीजिए. ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलता हूँ जल्दी ही. तब तक दुआओं में याद रखना.